आज हम बनाने जा रहे हैं रवा बेसन के लड्डू। सबसे पहले रवा को भून लेंगे। एक कढ़ाई में घी लेंगे, घी को अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें डालेंगे बेसन। बेसन को हमें तब तक भूनना है जब तक बहुत बढ़िया खुशबू ना आ जाए, पूरी तरह भून ना जाए। जब अच्छी तरह से भून जाएगा तभी हमारे लड्डू बहुत बढ़िया बनेंगे, टेस्टी बनेंगे। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट द्वारा मुझ तक पहुँचने दें। अब बनाते हैं शुगर सिरप। इसके लिए लेंगे पानी, पानी में ऐड करेंगे शुगर और ये सिरप अच्छे से बनने देंगे। शुगर सिरप बाजू में रख देते हैं तैयार होने के लिए। अब हम हमारा बेसन भूनते रहेंगे। देखिए अभी बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ रवा सूजी, इसे भी अच्छे से भुनेंगे। इसे लगभग हमें 10 से 15 मिनट तक भुनना है। भूनते समय हमें गैस की फ्लेम लो रखनी है, नहीं तो ये जल्दी से जल जाएगा। लो फ्लेम पे ही हमें इसको भूनना है। देखिए अब इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलो अब चेक करते हैं हमारा शुगर सिरप रेडी हुआ है या नहीं। देखिए अभी भी ये पतला है। थोड़ी देर बाद और चेक करते हैं। देखिए अभी बहुत गाढ़ा हो चुका है। हमें एक तार बने इस प्रकार हमें शुगर सिरप बनाना है, तभी हमारे लड्डू अच्छे बनेंगे। शुगर सिरप हो गया है रेडी। अब ये शुगर सिरप हम डालेंगे बेसन और रवा में, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब गर्मा गर्म इसके लड्डू बनाएंगे। शुगर सिरप को प्रॉपर टाइमिंग पे बंद करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तभी हमारे लड्डू प्रॉपर बनेंगे। आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।